तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। दोस्तों, एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल आते ही सभी 6 देशों ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एशिया कप 2023 की पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी 6 टीमें खेलेंगी और 6 टीमों में कौन कौन से खिलाड़ियों को चुना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट है और इसे जीतने के लिए सभी टीमें एड़ी से चोटी तक का जोर लगाती हैं। तो दोस्तों, आखिर एशिया कप 2023 को जीतने के लिए कौन कौन सी टीम ने कौन कौन से खिलाड़ियों को चुना है, वीडियो में बताने वाले हैं आज आपको पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो एशिया कप 2023 में सभी 6 टीमों में कौन कौन से खिलाड़ियों को चुना गया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2023 30 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा, जिसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी और सभी 13 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके 4 मुकाबले पाकिस्तान में होंगे तो वहीं 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप 2023 की 6 टीमों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीमें हैं, तो वहीं दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप 2023 का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दोपहर 1:30 बजे से कैंडी के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर एशिया कप 2023 के लिए सभी 6 देशों ने अपनी अपनी टीमों में कौन कौन से खिलाड़ियों को चुना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की टीम की। तो आपको बता दें कि दसुन सनाका श्रीलंकाई टीम के कप्तान हैं, तो वहीं चरिथा असालंका श्रीलंकाई टीम के उपकप्तान हैं। उसके बाद में आते हैं पथुम निसंका, कुशल मेंडिस, भानुका राक्षक्षे, एसएन बंड्रा, धनंजय डी सिल्वा, वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, जेफरी वेंडरसे, फिरवीन जय विक्रमा, चमिका करुणा रत्ने, दिलसान मधुसंका, मथीस पथिराना, नुबानिदु फर्नांडो, दुष्मंता चमीरा, दिनेश चंडीमल, धनुष्का गुनातिलाका। तो दोस्तों, ये है श्रीलंका के वो खिलाड़ी जिन्हें एशिया कप 2023 के लिए टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की टीम की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की टीम इस प्रकार है: रहमानुल्ला गुरबाज, हजरतुल्ला जजई, इब्राहिम जादरान, करीम जन्नत, हसमतुल्ला साहिदी, नजीबुल्ला जजरान, अजमतुल्ला ओवरजई, फरीद अहमद मलिक, फजल हक फारूकी, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नबीन उल हक, नूर अहमद, राशिद खान, समीउल्ला सिनबारी, अफसर जजई, निजात मसूद, सरफुद्दीन अशरफ एंड कायस अहमद। तो दोस्तों, ये है अफगानिस्तान की वो टीम जिसे एशिया कप 2023 के लिए चुना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हसमतुल्ला साहिदी को कप्तान बनाया गया है, तो वहीं रहमानुल्ला गुरबाज को उपकप्तान बनाया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बांग्लादेश की टीम की। तो आपको बता दें कि तोहीद हिरदोई, साकिब हसन, मुशफिकुर रहीम, यासिर अली, तमीम इकबाल, रोनी तलुकदर, नजमुल हुसैन संतो, मेहंदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, इबादत हुसैन, सोरीफुल इस्लाम, हसन महमूद, मिथुन चौधरी एंड लितन दास। दोस्तों, ये है बांग्लादेश की टीम जिसे एशिया कप 2023 के लिए चुना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमीम इकबाल को कप्तान बनाया गया है, तो वहीं मेहंदी हसन मिराज को उपकप्तान बनाया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल की टीम की। तो आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र मल्ला, देव खनल, भीम सरकी, आरिफ शेख, संदीप जोरा, रोहित पोडेल, कुशल भुरटेल, प्रतीश जीसी, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह, किशोर महतो, करण केसी, कमल सिंह, अर्जुन सऊद, सोमपाल कमी, संदीप लमिछाने, मौसम ढकल, ललित राजवंशी, किशोर महतो, सूर्या तमंग। तो दोस्तों, ये है नेपाल की टीम जो एशिया कप 2023 के लिए चुनी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की। तो आपको बता दें कि इमामुल हक, फकर जमान, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हैरिस, सलमान अघा, हैरिस सोहेल, सादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर,
इंसानुल्लाह, फहीम अशरफ और जमान खान। दोस्तों, ये है पाकिस्तान की टीम जिसे एशिया कप 2023 के लिए चुना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं, तो वहीं शादाब खान पाकिस्तान की टीम के उपकप्तान हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की जो एशिया कप 2023 के लिए चुनी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के ओपनरों की। तो आपको बता दें कि 4 खतरनाक ओपनरों को टीम में चुना गया है, जिसमें पहला नाम आता है कप्तान रोहित शर्मा का, जो हिटमैन के नाम से मशहूर हैं। तो वहीं दूसरा नाम आता है शुभमन गिल का, जो कमाल के ओपनर हैं। तो वहीं तीसरे ओपनर हैं यशस्वी जायसवाल। तो वहीं चौथे ओपनर हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो एक इम्पैक्टफुल ओपनर हैं। तो दोस्तों, ये हैं टीम इंडिया के 4 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज जो एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया में चुने गए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों की। तो आपको बता दें कि 3 खतरनाक बल्लेबाजों को टीम में जगह मिली है, जिसमें पहला नाम आता है विराट कोहली का, जो पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। तो वहीं दूसरा नाम है सूर्य कुमार यादव का, जो 360 डिग्री के नाम से जाने जाते हैं। तो वहीं तीसरा नाम है श्रेयस अय्यर का, जो भारतीय टीम के गजब के बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, ये हैं टीम इंडिया के 3 खतरनाक बल्लेबाज जिन्हें मिडिल ऑर्डर्स में एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के विकेट कीपरों की। तो आपको बता दें कि 3 खतरनाक विकेट कीपरों को टीम में चुना गया है, जिसमें पहला नाम आता है संजू सैमसन का, जो गजब का टेम्परामेंट रखते हैं। तो वहीं दूसरा नाम आता है ईशान किशन का, जो बाएं हाथ के बहुत ही डेंजर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो वहीं तीसरा नाम आता है केएल राहुल का, जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों, ये हैं टीम इंडिया के 3 खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्हें एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर्स की। तो आपको बता दें कि 4 खतरनाक ऑलराउंडरों को भारतीय टीम में जगह मिली है, जिसमें पहला नाम आता है हार्दिक पांड्या का, तो वहीं दूसरा नाम आता है रविंद्र जडेजा का, तो वहीं तीसरा नाम आता है अक्षर पटेल का, तो वहीं चौथा नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। तो दोस्तों, ये हैं 4 खतरनाक ऑलराउंडर जिन्हें टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के स्पिनरों की। तो आपको बता दें कि 3 खतरनाक स्पिनरों को टीम में शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है युजवेंद्र चहल का, तो वहीं दूसरा नाम आता है कुलदीप यादव का, तो वहीं तीसरा नाम आता है रवि बिश्नोई का। तो दोस्तों, ये हैं 3 स्पिनर जिन्हें एशिया कप 2023 के लिए टीम में चुना गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की। तो आपको बता दें कि 4 खतरनाक तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, तो वहीं दूसरा नाम है मोहम्मद शमी का, तो वहीं तीसरा नाम है मोहम्मद सिराज का, तो वहीं चौथा नाम है अर्शदीप सिंह का। तो दोस्तों, ये हैं सभी टीमों के वो खिलाड़ी जिन्हें एशिया कप 2023 के लिए अपनी अपनी टीमों ने सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, इन सभी टीमों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, और कौन सी टीम है सबसे ज्यादा खतरनाक, और कौन सी टीम जीतेगी एशिया कप 2023? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।